हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेशर्स प्लेस डॉट इन। मेरा नाम है धर्मेंद्र और आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट वन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे और ये चैप्टर बड़ा भी है, इसलिए हम इसे कई पार्ट्स में कवर करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ए डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज द सेम वर्क इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर विल डू द सेम वर्क। बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को हम एक ऐसे तरीके से भी सॉल्व करते हैं जो आपने पहले भी सीखा हुआ है और उसके बाद में एक शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व करेंगे। देखिए, ए काम करता है एक जो है 10 दिन में, सो ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम जो है 1/10 रहेगा, राइट। बी इसी काम को करता है 15 डेज में, सो बी का एक दिन का काम जो है 1/15, ये वन डे वर्क ऑफ ए है और ये बी का वन डे वर्क है, राइट। सो अगर हम दोनों को जोड़ दें 1/10 प्लस 1/15 कर दें, राइट, सो हमें ए और बी का एक दिन का काम मिल जाएगा, राइट, वन डे का काम मिल जाएगा आपको ए और बी का। अब इसे जब आप ऐड करेंगे देन 30 विल बी द एलसीएम एंड 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, दैट मीन्स 5/30, या फिर इसे आप 1/6 भी लिख सकते हैं, राइट। सो ए और बी का एक दिन का काम आपको पता चल गया कि 1/6 है। अगर एक दिन में ए और बी वन डे में 1/6 काम करते हैं वन डे में, सो वन काम कितने दिन में करेंगे? वन और इधर सिक्स जो है आपका ऊपर चला जाएगा, सो 6 डेज में पूरा काम करेंगे दोनों मिलके अगर काम करते हैं तो। आइए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर किया क्या है। ए किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा था, कहने का मतलब एक दिन का ए का काम जो है 1/10 हो गया, जितने भी दिन दिए हुए हैं डेज दिए हुए हैं, सो एक दिन का 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 15 डेज दिया हुआ है, सो 1/15 बी का एक दिन का काम हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ ए का एक दिन का काम पता है और बी का भी एक दिन का काम पता है, तो दोनों का अगर हम एक एक दिन का काम ऐड कर लेंगे यानी 1/10 प्लस 1/15 अगर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों लोग मिलके अगर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, राइट। सो वही यहाँ पर हमने किया है कि दोनों का एक दिन का काम निकाल लिया, सो दोनों जब एक साथ मिलके काम करते हैं तो 1/6 काम का डालते हैं एक दिन में। अगर 1/6 एक दिन में कर रहे हैं देन पूरा काम यानी फुल वर्क 6 डेज में करेंगे, दैट्स इट। आइए अब इसी क्वेश्चन को फास्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करना है कि हम लिखेंगे कम से कम, अगर हम कम से कम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है जल्दी सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए, ए डज अ वर्क इन 10 डेज लिखा हुआ है, आपने ये कुछ नहीं लिखना, सीधे लिखिए 1/10। अगर 10 डेज लिखा हुआ है तो 1/10 लिखिए और चाहे तो ए लिख लीजिए कि ए का काम है ए 1/10, राइट। और बी डज द वर्क इन 15 डेज, तो क्या लिखना है? बी 1/15 ऐसे लिखना है, क्योंकि हम सीधे यहाँ पर एक दिन का काम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब उसके बाद में दोनों का काम पूछा हुआ है एक दिन का, सो 1/10 दोनों के बीच में प्लस लगा दीजिए, 1/10 प्लस 1/15। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपने सिर्फ इतना लिखना है 1/10 प्लस 1/15, और ये अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि ये एक दिन का ए का काम है और ये एक दिन का बी का काम है, जोड़ लिया दोनों का, एलसीएम जो है 30 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा क्योंकि 30 जो है 10 से 3 टाइम्स में जाएगा और यहाँ 15 से 30 2 टाइम्स में जाएगा, 2 आ जाएगा। 5/30 कहने का मतलब सीधे 1/6 लिखिए और जो यहाँ पर आपका है नीचे 6 क्योंकि ऊपर 1 है, सो 1/6 काम एक दिन में हो रहा है दोनों से, तो पूरा काम करने में 6 डेज लगेंगे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपने इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, जितना कम लिखेंगे उतना ही फास्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, बहुत ही शॉर्ट, वो भी है ऐसे ही, फटाफट देख लेते हैं उसे भी। ए कर रहा है काम 10 दिन में पूरा और बी करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30 आएगा, जैसा कि 30 ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है 30 आएगा। अब ये मान लीजिए कि 30 जो है ये टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है
इतने यूनिट्स ऑफ टोटल वर्क है, कुछ भी हो सकता है। सो 30 यूनिट्स हम कह लेते हैं, 30 यूनिट्स ऑफ द वर्क है टोटल। सो ए अगर 10 दिन में पूरा काम कर रहा है तो कहने का मतलब डेली कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट डेली कर रहा होगा। 30 बाई 10 करेंगे, 3 यूनिट्स ए का एक दिन का काम होगा, वन डे वर्क ऑफ ए। एंड बी का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, बी का वन डे वर्क हो जाएगा 2 यूनिट्स, राइट। दोनों अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे देन 5 यूनिट्स एक दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो टोटल काम आपका 30 यूनिट्स है। कैसे करेंगे, कितने दिन में करेंगे, 30/5 जब करेंगे आप तो 6 डेज, यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज कीजिए, चाहे ये वाला या ये वाला, दोनों से ही आप विदिन 30 सेकेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी एलोन कैन फिनिश इट इन 30 डेज। ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन, बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और बी जब अकेला काम करता है तो उसे 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो पूछा हुआ है कि ए कितने दिन में करता होगा, हमें क्या दिया हुआ है, ए और बी का, ए प्लस बी का काम दिया हुआ है 12 दिन में कर रहा है, हम 1/12 लिखेंगे, वन डे का काम सीधे लिखेंगे, ए और बी मिलकर कर रहे हैं, और बी का काम दिया हुआ है वो 30 डेज में कर रहा है। सो कहने का मतलब एक दिन का काम 1/30 होगा, माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, ए प्लस बी से अगर आप माइनस बी करेंगे तो ए का काम आ जाएगा, राइट। वही करने की कोशिश कर रहे हैं, ए प्लस बी का हमें काम यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें से अगर हम बी का काम एक दिन का माइनस कर देंगे तो हमें ए का एक दिन का काम पता चल जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, यहाँ 5 माइनस 2 यानी कि 3/60 हो जाएगा, 1/20 आएगा। अगर ऊपर 1 है तो इतने ही नंबर ऑफ डेज में ए पूरा काम फिनिश करेगा। सो ए कैन फिनिश वर्क अलोन इन 20 डेज, सो 20 डेज इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लिख देते हैं यहाँ पर, ए कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। यहाँ पर भी आपने ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा, आपने डायरेक्टली ये लिखना है और आंसर आ जाएगा 20। ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको ऑप्शन में जो भी दिया होगा 20 डेज सीधे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज इफ ए डज द जॉब अलोन इन 6 डेज एंड बी इन 5 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर सी टू फिनिश द जॉब अलोन। बोला है यहाँ तीन लोग दिए हुए हैं, ए बी सी तीन लोग दिए हुए हैं, तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो 2 दिन में ही काम कंप्लीट कर देते हैं। ए अकेला जब करता है तो 6 दिन में करता है और बी अकेला जब करता है तो 5 दिन में करता है। अब पूछा हुआ है सी अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, 1/2 लिखिए, तीनों का एक दिन का काम हो गया। अब इसमें से आप जो दो अलग अलग लोग दिए हुए हैं ए और बी, उनका एक एक दिन का काम माइनस कर दीजिए, 1/6 ए का एक दिन का काम है और इसमें से भी माइनस कीजिए बी का एक दिन का काम जो कि 1/5 है। इसे जब सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वहाँ से हमें सी का एक दिन का काम पता चल जाएगा। देखिए 6, 5 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 30 आएगा, राइट। सो 15 - 5 - 6 इसे जब सॉल्व करेंगे देन 4/30 आ गया आपका। अब इसे 1/ के रूप में लिखना है हमें, देन 4 से काट दीजिए, 7.5 आ जाएगा, 1/7.5 जो ये आ गया 7.5, ऊपर 1 है। सो 7.5 डेज में सी अगर अकेला काम करेगा तो इतने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, 7.5 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, हमें ए प्लस बी प्लस सी का जो है काम दिया हुआ था कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 2 दिन में करते हैं, और हमें अलग अलग भी दिया हुआ था, ए अकेला जब काम करता है तब भी दिया हुआ था 6 दिन में कर रहा है, और बी जब अकेला काम करता है तब भी दिया हुआ था। तो हमने क्या किया, तीनों में से 2 लोगों का काम माइनस कर दिया, सी का हमें पता चल गया, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है, ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशंस इन 16 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन। यहाँ पर भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है कि विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, कहने का मतलब अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में ही कंप्लीट कर लेते हैं, और अकेला ए कर रहा था तो 16 दिन में कर रहा था, अकेला बी कर रहा था तब 12 दिन में कर रहा था, सी का पूछा हुआ है काम कितने दिन में अकेला करेगा। तो 4 दिन में कर रहे हैं तीनों मिलके, कहने का मतलब 1/4 लिखिए, माइनस कीजिए ए का एक दिन का काम यानी 1/16, और इसमें से भी माइनस कीजिए बी का एक दिन का काम, कहने का मतलब 1/12। इसे सॉल्व करेंगे 48 आपका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर 12 - 3 - 4
अब आप इसे 12 माइनस 7 करेंगे 5 बाई 48 हो जाएगा ये, या फिर उल्टा करेंगे इसको 48 बाई 5 डेज हो जाएगा। ये सी का एक दिन का काम है, सी का वन डे वर्क है ये, वन डे में 5 बाई 48 कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 48 बाई 5 डेज में, राइट। 48 बाई 5 करेंगे इसे, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स, बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन 2 आवर्स, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट। यहाँ पर बी और सी अगर एक साथ काम करते हैं तो बोला है 3 घंटे में कर लेते हैं, और जब ए और सी एक साथ करते हैं तब 2 ही घंटे में कर लेते हैं, और ए का भी अलग से दिया हुआ है कि 4 घंटे में कर लेता है, अकेला करता है। फिर पूछा हुआ है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, कितने आवर्स में कर लेगा। एक्चुअली यहाँ पर डेज में नहीं बल्कि आवर्स में दी हुई है इन्फॉर्मेशन। तो क्या हमको दिया हुआ है, बी प्लस सी जो है 3 आवर्स में करते हैं, तो क्या करना होगा, 1/3 लिखेंगे, 1 आवर में कितना करेंगे, 1/3। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ए एंड सी जब मिलके एक साथ काम करते हैं तब कितने देर में करते हैं, 2 आवर्स में करते हैं, कहने का मतलब 1 घंटे का काम 1/2 होगा। अब अगली इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि ए अकेला जब काम करता है तो 4 घंटे में करता है, कहने का मतलब ए का 1 घंटे का काम जो होगा वो 1/4 होगा। माइनस करते हैं, कैसे करेंगे, ये वाला भी माइनस कर देंगे हम, जब दूसरी वाली इक्वेशन हम माइनस करेंगे देन ए यहाँ कट जाएगा, राइट, इसे माइनस करेंगे, और सी क्योंकि सी भी माइनस होगा तो ये भी कट जाएगा यहाँ पर। तो आपका जो बचेगा वो जो पूछा हुआ है बी का काम बच जाएगा, 1 घंटे का बी का काम इस तरह से आएगा। देखते हैं, बी का 1 घंटे का काम आएगा जो कि आ रहा है 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि माइनस देखिए यहीं पर लगा हुआ है, 1/2 में ही माइनस लगा हुआ है, राइट। जब इसे सॉल्व करेंगे तब आपका ये 12, तो एलसीएम आएगा 4 माइनस 6 प्लस 3, सो 1/12 आ गया बी का 1 घंटे का काम। कहने का मतलब बी अगर अकेला काम करेगा तो 12 घंटे में कर लेगा, दैट्स इट, 12 आवर्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 24 डेज, ए एंड सी कैन डू इट इन 36 डेज, फाइंड द टाइम इन विच ए बी सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क। यहाँ पर ए और बी जब दोनों एक साथ काम करते हैं तब 18 दिन में कर लेते हैं, बी और सी जब दोनों एक साथ करते हैं तब 24 दिन में कर लेते हैं, और ए और सी दोनों जब एक साथ करते हैं तब 36 डेज में कर लेते हैं। अब बोला है कि तीनों लोग जब एक साथ काम करेंगे तब कितने दिन में ख़त्म करेंगे, दो दो लोगों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और पूछा है कि तीनों जब एक साथ करेंगे तब कितने दिन में करेंगे। लिख लेते हैं, ए प्लस बी का आपको दिया हुआ है 18, सो 1/18 लिख लेते हैं, राइट, और आपको दिया हुआ है बी प्लस सी का दिया हुआ है, इसे लिख लेते हैं 1/24 क्योंकि 24 डेज में कर रहा है। और अगला है ए प्लस सी, ये लोग दोनों लोग मिलके 36 डेज में करते हैं, 1/36 लिखेंगे। तीनों जब हम ऐड कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 2 बार ए आ गया, 2 बार बी और 2 बार सी, कहने का मतलब 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मिलके जब काम करेंगे तब 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36 इसका एलसीएम आपका 72 आ जाएगा। 18 से जो है 72 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 24 से 3 टाइम में, 36 से 2 टाइम में, 4 3 7 2 9, 9/72 आप करेंगे, इसे काट सकते हैं 8, 1/18, सो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1/8। अगर ए प्लस बी प्लस सी आपको निकालना होगा देन इट इज़ 1/16। कहने का मतलब जब ए बी सी तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तब 16 डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे, 16 डेज इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ए टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम एज बी एंड सी टेक्स थ्राइस एज मच टाइम एज बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड फॉर ए टू डू द वर्क अलोन। बोला हुआ है कि ए जो है दोगुना टाइम लेता है बी से और सी तीन गुना टाइम लेता है बी से किसी सेम काम को करने में। अब जब तीनों एक साथ काम करते हैं तब 12 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। पूछा है कि ए अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि बी से ही ए भी दोगुना टाइम लेता है और बी से ही सी भी तीन गुना टाइम लेता है। सो क्या करते हैं, बी मान लेते हैं कि एक्स डेज टाइम लेता है, राइट, बी अगर एक्स डेज टाइम लेता है किसी काम को करने में तो ए कितना टाइम लेगा, ए लेगा दोगुना,
यानी 2x डेज, राइट। और c तीन गुना टाइम ले रहा है, मतलब कि 3x डेज जो है c लेगा। अब तीनों का अलग अलग एक दिन का काम देखते हैं। b का एक दिन का काम होगा 1 बाई एक्स, ए का एक दिन का काम होगा 1 बाई टू एक्स, सी का एक दिन का काम होगा 1 बाई थ्री एक्स, राइट। अब तीनों मिलके जब काम करते हैं तो 12 दिन में बोला हुआ है कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि एक दिन में तीनों काम कितना करेंगे 1 बाई ट्वेल्व इक्वल्स टू 1 बाई ट्वेल्व हो गया। अब इसे आप एलसीएम लीजिए 3x 2x और x का, तो ये आपका एलसीएम आएगा 6x, राइट। तो यहाँ पर 6 प्लस 3 प्लस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 1 बाई ट्वेल्व आपका है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 6 से तो दो बार में चला जाएगा, नीचे रह गया इधर x, और 6 3 9 2 11 डिवाइड में x और उधर 1 बाई टू, यानी कहने का मतलब ये x की वैल्यू जो है 11 इंटू 2 22 आ गई आपकी, x की वैल्यू 22 आ गई। अब देख लीजिए a कितने दिन में कर रहा था, 2x डेज में कर रहा था, तो कहने का मतलब कि a 2 इंटू 22 यानी 44 डेज में काम कंप्लीट कर देगा, वही हमसे पूछा हुआ है। सो कहने का मतलब अगर ए अकेला काम करेगा तो 44 दिन में कर लेगा, जिस काम को तीनों मिलके 12 दिन में कंप्लीट कर रहे थे उसी काम को ए अकेला 44 डेज में कंप्लीट करेगा। ए इज 30% मोर इफिशियंट देन बी, हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। यहाँ बोल रहा है कि ए जो है बी से 30% मोर इफिशियंट है, कहने का मतलब 30% ज़्यादा प्रोडक्टिव है बी से, बी जितना काम करेगा उससे ए 30% ज़्यादा काम कर लेगा। और पूछा हुआ है कि अगर ए किसी काम को 23 दिन में कर लेता है तो दोनों जब एक साथ मिलके काम करेंगे तब उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि बी एक दिन में 100 यूनिट्स काम करता है, राइट। अगर बी 100 यूनिट्स काम करता है देन ए कितना करेगा, ए तो 30% ज़्यादा करेगा, इससे कहने का मतलब 130 यूनिट्स काम कर डालेगा ए, राइट। अब ए का एक दिन का काम अगर 130 यूनिट्स है तो 23 डेज में कितना काम कर रहा होगा, राइट। टोटल वर्क यहाँ से निकल आएगा, 23 से इसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा, राइट। टोटल वर्क है 130 यूनिट्स इंटू 23। अब अगर इसी काम को, ये जो टोटल वर्क है इसी काम को अगर ए और बी मिलके एक साथ करेंगे तब कितना टाइम लगेगा, ये पूछा हुआ है। अब ए और बी जब मिलके एक काम करेंगे तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए और बी का एक दिन का काम 100 प्लस 130 हो जाएगा, राइट। तो टोटल वर्क को अगर हम 100 प्लस 130 से डिवाइड कर दें, कहने का मतलब 230 से डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों जब एक साथ मिलके काम करेंगे तब कितने दिन लगेंगे। यहाँ देखिए 23 से 10 टाइम्स में ये चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 13 डेज में दोनों एक साथ मिलके जब काम करेंगे तब कंप्लीट कर देंगे, दैट्स इट। फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क का ये पार्ट यहीं कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है देन वीडियो दोबारा देख लीजिए, या फिर इसके नीचे सॉल्व PDF जो कॉपी दी हुई है हमारी वेबसाइट www.freshersplace.in पर, उस सॉल्व PDF से भी रिवाइज कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने सॉल्व PDF कॉपी से करनी ही करनी है, उसके बाद में ही अगले पार्ट पर जाना है। ये पार्ट आपको कैसा लगा ये बताने के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ कहीं भी आप वीडियो देख रहे हैं YouTube पर या वेबसाइट पर, हर जगह आपको नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करने के लिए एक जगह दिखाई दे रही होगी, वहाँ आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले पार्ट में।